गाइस, ये कहानी है हजारों साल पुरानी की, जब एक सॉल नाम का बंदा एक लड़की से प्यार कर बैठता है। दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा टाइम बिताया करते थे। दोनों जब भी गेम में आते साथ में आते और साथ में एग्जिट भी होते। दोनों गेम में बहुत ही ज्यादा समय बिताया करते थे और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे दोनों में बहुत ही ज्यादा लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे तो जान ले भी सकते थे। इन दोनों का बेइम्तिहान मोहब्बत बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन तभी किसी की बुरी नजर इन दोनों का प्यार पे पड़ती है। लड़की इस लड़के को चाहना बंद कर देती है। गेम में सॉल उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट भेजता और ये लड़की उसे बार बार किक कर देती और खूब हंसती। पता नहीं अचानक ये इतना क्यों बदल गई थी। कुछ दिन बाद उस लड़की का मन फिर से बदल जाता है और उस लड़के के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाता है। दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लगते हैं और सॉल उस लड़की की एक छोटी सी गलती को माफ कर देते हैं और फिर आपस में अच्छे से रहने लगते हैं। एक बार गेम में सॉल उससे बहुत ही दूर चला जाता है, तभी उस लड़की को कोई मार के नॉक करके चला जाता है। जैसे ही ये सॉल को पता चलता है, वह बहुत ही दूर दौड़ के आता है और गाड़ी फेंकते ही उसे तुरंत रिवाइव करता है और ट्रीटमेंट करता है। ये देखते ही लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद भी बोलती है। और उस दिन से उन दोनों का प्यार और भी मजबूत हो जाता है। एक बार सॉल जब अकेले गेम में आता है तब उसने कुछ अजीबोगरीब चीज देखता है। वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को प्रपोज कर रही है और किसी और से प्यार कर रही है। उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से वो लड़की इसके साथ गेम खेलना छोड़ दी थी और इसी बहाने वो उस लड़के से प्यार कर बैठी। ये सारा चीज़ सॉल ने अपने आँखों से देख चुका था, इसलिए वो अंदर ही अंदर टूट चुका था और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो गया, और यही चीज़ पूछने के लिए वो गेम में गया और उस लड़की को बुलाने का कोशिश करने लगा। लेकिन वो लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ उसके साथ आया और उसे रिमूव कर दिया। वो लड़का उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार क्या बात है। लड़की कहती है कि अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब मैं किसी और के साथ खुश हूँ और उसी के साथ मैं रहना चाहता हूँ, और यही कह के उसे फिर से रिमूव कर देता है। सॉल उसे दोबारा रिक्वेस्ट भेजता है और पूछता है कि आखिरकार क्यों। तभी वो लड़की जवाब देती है कि तुम नूब हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं प्रो बंदे के साथ रहना चाहता हूँ और उसी के साथ खेलना चाहता हूँ, और यही कह के उसे फिर से रिमूव कर देता है। एक बार तीनों साथ में गेम खेलता है। सॉल लूट करने के लिए ऑयल बैरल के पास जाता है, तभी वो लड़की उस ऑयल बैरल को फोड़ देती है और उसे नॉक कर देती है सॉल को। और वो लड़की और उसका नया बॉयफ्रेंड उसे खूब सारा इमोट दिखाता है, खूब सारा उसके ऊपर हंसता रहता है, क्योंकि सॉल बहुत ही ज़्यादा नूब था। वह ज़्यादा गेम के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये दोनों थोड़ा प्रो थे तो बहुत ही ज़्यादा इसका मजाक बनाने लगे और लॉल पे लॉल इमोट दिखाते गए और इससे नीचा दिखाने की कोशिश करते गए। सॉल को अब बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने कसम खाया कि उस प्रो बंदा को हराएगा 1v1 में और उस लड़की से बदला लेगा। सॉल ने अब ट्रेनिंग चालू कर दी। वह प्रो बनने के लिए तरह तरह का चीज़ें सीखने लगा, कभी डबल AWM तो कभी सिंगल AWM, फास्ट मूवमेंट के साथ वन टैप का ट्रेनिंग करने लगा और शॉटगन का प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे उसके गेम प्ले में बहुत ही ज़्यादा सुधार आ रहा था। ट्रेनिंग में बहुत ही फास्ट वह वन टैप भी मारने सीख गया था और बहुत ही तगड़ा मूवमेंट भी करने लगा था। कुछ दिनों तक उसका ऐसा ही ट्रेनिंग चलता रहा और वह फ्री फायर में जितना एक प्रो प्लेयर सीखता है उससे कहीं अधिक ज़्यादा सीख चुका था। वह धीरे धीरे प्रो होने लगा था और इन सारी चीज़ों में उसका एक दोस्त थी जो उसका बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही थी। तो सॉल उस दोस्त को थैंक यू जाके बोलता है। उसकी दोस्त बोलती है
कि अब तुम प्रो हो चुके हो। सोल अपनी दोस्त को प्रपोज कर देता है और उसे आई लव यू भी बोल देता है और उसका दोस्त उसका एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब इसका दोस्ती प्यार में बदल चुका था। सोल का वक्त आ चुका था बदला लेने का और वह जैसे गेम में जाता है उसके पुरानी गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है और बुलाते उस प्रो प्लेयर को 1v1 चैलेंज करता है कस्टम। उस लड़की का न्यू बॉयफ्रेंड मान जाता है और बोलता है ठीक है नुबड़े आ जा देखता हूँ तुम में कितना दम है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और लड़की का बॉयफ्रेंड पहला राउंड उसे आसानी से हरा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे इसका दोस्त फिर से हार जाएगा क्योंकि दूसरा राउंड भी हार चुका है। तीसरा राउंड सोल वापसी करता है और उसे एक बढ़िया सा हेडशॉट मार के एक राउंड जीत लेता है। चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका था क्योंकि सोल वन टैप मारने सीखा था इसलिए उसे एक बहुत ही तगड़ा वन टैप मारता है और दो दो की बराबरी कर लेता है। पाँचवा राउंड स्टार्ट हो जाता है। सोल P90 और शॉटगन के साथ उसे मारने के लिए दौड़ता है और इस राउंड में बहुत ही फास्ट मूवमेंट दिखाता है और पांचवा राउंड भी बहुत ही आसानी से जीत जाता है। अब सोल बढ़त ले चुका था और छठा राउंड स्टार्ट हो चुका था और वन टैप का उसे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल रहा था और छठा राउंड भी जीत जाता। सातवां राउंड में भी सोल एक शानदार हेडशॉट मारता है और सातवां राउंड आसानी से जीत जाता है। आठवें राउंड पे उसकी बॉयफ्रेंड ने इस लड़के को बहुत ही शानदार हेडशॉट मारता है और 5-3 कर लेता है। नौवें राउंड पे फिर से वापसी करता है सोल और एक तगड़ा सा हेडशॉट मारता है और 1-6-3 का बढ़त बना लेता है। सोल को बस एक राउंड जीतना था। वह खोजते खोजते उसका बॉयफ्रेंड के पास जाता है। उसका बॉयफ्रेंड छुपने का प्रयास करता है तभी सोल एक तगड़ा सा हेडशॉट मारता है और मैच जीत जाता है उसका नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ। अब सोल उस लड़की को ग्रुप में बुलाता है। वो लड़की उससे सॉरी बोलने लगती है और बोलती है कि हमसे गलती हो गया। उसका न्यू बॉयफ्रेंड आता है और उसे फिर से चैलेंज करता है। सोल उसे मना कर देता है और बोलता है दोबारा तुम मेरे रास्ते में कभी मत आना और ये कह के उस लड़की को और उसका लड़की का बॉयफ्रेंड दोनों को किक कर देता है। अब सोल और उसकी नई दोस्त एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तो गाइस कैसे लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का एडिट ओजी गेम एफएफ ने किया है और वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। और गाइस आप लोगों में थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर इतने कम समय में करा दिए।